हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेमिंग लैपटॉप्स के बारे में। और जैसे कि आपको टाइटल देखकर पता चल ही गया है कि हम बात करने वाले हैं एसर नाइट्रो 5 गेमिंग लैपटॉप के बारे में। तो इस वीडियो में हम काइंड ऑफ इसी गेमिंग लैपटॉप का रिव्यू करने वाले हैं और देखेंगे कि आपको इस लैपटॉप में क्या क्या अच्छे फीचर्स देखने को मिलते हैं या फिर क्या क्या कमियां आपको इस लैपटॉप में देखने को मिल जाती हैं। तो अगर आप ये गेमिंग लैपटॉप खरीदने के बारे में सोच रहे थे या फिर आपको एक गेमिंग लैपटॉप लेना है, उसका बजट जो है लगभग 60-70,000 के आसपास है, तो एक बार इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे चैनल पर वैसे ही मैं टेक और पीसी के रिलेटेड वीडियोस में डालता रहता हूँ। तो मैं हूँ निक, आप देख रहे हैं मेरा चैनल डीटेक्निक। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो बेसिकली अगर आप एक गेमिंग लैपटॉप लेते हैं तो आपको दो तीन चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए कोई भी गेमिंग लैपटॉप लेने से पहले। पहली कि उसमें आपको हार्डवेयर थोड़ा देखना चाहिए, किस टाइप का हार्डवेयर देखने को मिल रहा है, क्या क्या कंपोनेंट्स वगैरह देखने को मिल रहे हैं, जो कि आपके अभी के और आने वाले दो तीन साल तक में जो जो गेम्स लॉन्च होंगे, नए गेम्स आएंगे, वो सब वो आराम से रन करा के दे सके। दूसरी चीज़, अगर आप एक गेमिंग लैपटॉप लेते हैं तो उसका जो मॉनिटर है वो भी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब आपको उसका मॉनिटर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि आपको उसमें क्या रिफ्रेश रेट देखने को मिल रहा है या फिर किस क्वालिटी का डिस्प्ले आपको देखने को मिल रहा है, कौन सा पैनल उसमें देखने को मिल जाएगा। तो आपको थोड़ा डिस्प्ले पे भी ध्यान देना चाहिए, हार्डवेयर पे भी ध्यान देना चाहिए। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, गेमिंग लैपटॉप में आपको एक प्रॉपर वेंटिलेशन मिलना चाहिए, क्योंकि आप जब गेमिंग करते हैं तो आपका लैपटॉप बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करता है, तो उसमें प्रॉपर एयर का वेंटिलेशन होना चाहिए, जिसकी वजह से आपका जो गेमिंग लैपटॉप है वो ज़्यादा लंबे समय तक आप उसमें गेम खेलें तो वो ज़्यादा हीट वीट ना करे। तो अगर बात करें इस एसर नाइट्रो 5 गेमिंग लैपटॉप के बारे में, तो इसमें आपको कई सारे वेरिएंट्स देखने को मिल जाते हैं, जिसमें कि आपको जो डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे वो है, आपको किसी में i5 देखने को मिलेगा या फिर किसी में i7 देखने को मिलेगा, और ग्राफिक कार्ड में किसी में आपको GTX 1650 देखने को मिलेगा और किसी में आपको GTX 1650 Ti देखने को मिल जाएगा। और साथ ही में आपको डिस्प्ले में थोड़ा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा जो इसके अलग अलग वेरिएंट्स हैं। लेकिन इस वीडियो में हम जिस वेरिएंट के बारे में बात करने वाले हैं वो है Acer Nitro 5, जिसमें कि प्रोसेसर में आपको i5 10th जनरेशन देखने को मिल जाएगी, ग्राफिक कार्ड में आपको GTX 1650 Ti देखने को मिलेगा, लेकिन डिस्प्ले आपको इसमें एक नॉर्मल डिस्प्ले ही देखने को मिल रहा है, जो कि एक 60Hz का IPS पैनल डिस्प्ले है। लेकिन अगर इसकी हम प्राइसिंग की बात करें तो अभी करंट टाइम पे Amazon पे आपको ये 65,900 रुपीज़ का देखने को मिल जाएगा, जो कि जिस प्राइस पे अभी आपको ये मिल रहा है उस प्राइस पे आपको काफ़ी अच्छा हार्डवेयर ये प्रोवाइड करा रहा है। जो कि अगर हम इसी प्राइस के दूसरे लैपटॉप्स की बात करें, दूसरी कंपनी के लैपटॉप्स की, तो आपको हार्डवेयर वाइज ये आपको गेमिंग में उनसे अच्छी परफॉर्मेंस आराम से प्रोवाइड करा देगा। और अगर आप ये लैपटॉप लेना चाहते हैं तो इसका जो बेस्ट बाय लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहें तो वहाँ जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं, और अगर आप लेना चाहें तो वहाँ से इसको खरीद भी सकते हैं। और वहीं अगर बात करें इसके लुक्स के बारे में, तो एक गेमिंग लैपटॉप पे तो आपको थोड़े लुक्स भी उस हिसाब से ही देखने को मिलेंगे, लेकिन इसमें आपको एक हार्ड कोर गेमिंग लैपटॉप वाले लुक्स देखने को नहीं मिलेंगे। बेसिकली आपको इसमें थोड़े बहुत ग्राफिक्स देखने को मिल जाएंगे, कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, मतलब रेड और ब्लैक का कलर कॉम्बिनेशन यूज़ किया गया, जो कि काफ़ी एक मतलब गेमिंग लैपटॉप वाला फील आपको देगा, लेकिन देखा जाए तो ओवरऑल आपको एक डिसेंट सा लुक प्रोवाइड करा देता है। मतलब कहने का मतलब है, अगर आप इसको काफ़ी महंगे गेमिंग लैपटॉप से कंपेयर करेंगे तो उसमें तो आपको काफ़ी अच्छे ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं, साथ ही में उसका जो लुक होता है वो एक हेक्सागोनल लुक देने का ट्राई किया जाता है, तो इसमें आपको वैसे लुक तो नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी इसमें आपको एक गेमिंग लैपटॉप के हिसाब से एक डिसेंट सा लुक इसमें प्रोवाइड करने का ट्राई किया गया है, वो भी एक अच्छे कलर कॉम्बिनेशन के साथ। और एक चीज़ जो मुझे इस गेमिंग लैपटॉप में काफ़ी अच्छी लगी, मतलब एक बजट गेमिंग लैपटॉप के हिसाब से आपको दूसरे लैपटॉप में देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि इसमें आपको एक RGB बैकलिट कीबोर्ड देखने को मिल रहा है, मतलब आपको एक मल्टी कलर RGB बैकलिट कीबोर्ड देखने को इस गेमिंग लैपटॉप में मिल रहा है, जो कि एक 65,000 के लैपटॉप में आपको मुश्किल से ही आपको किसी और गेमिंग लैपटॉप में देखने को मिले। तो ये तो कुछ इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हो गए कि आपको इस गेमिंग लैपटॉप में क्या क्या अच्छी चीज़ें देखने को मिलती हैं। वहीं अगर हम बात करें कि इसमें आपको क्या क्या नेगेटिव चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो पहली चीज़, आपको इसमें एक सिंगल 8GB की सिंगल रैम स्टिक देखने को मिलती है, जो कि बात करें आजकल जो मॉडर्न गेम्स वगैरह होते हैं, अगर आप उनको हाई सेटिंग में खेलेंगे तो कई गेमों में 8GB रैम भी कम पड़ जाती है। तो अगर आप सारे गेम खेलना चाहते हैं, वो भी एकदम अल्ट्रा सेटिंग पे, वो भी बड़े बड़े गेम्स, तो आपको एक 8GB की रैम और एक्स्ट्रा लगानी पड़ेगी, मतलब आपको 3-4 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप इसमें सारे गेम एकदम हाई अल्ट्रा सेटिंग पे खेल सकते हैं। और वहीं अगर हम दूसरे नेगेटिव पॉइंट की बात करें, तो इसमें आपको टोटल 3 USB पोर्ट देखने को मिलते हैं, जिसमें से 2 पोर्ट जो हैं वो फर्स्ट जनरेशन के हैं और 1 पोर्ट सेकंड जनरेशन का देखने को मिलेगा, क्योंकि मेरे हिसाब से आपको आज के टाइम पे 3 पोर्ट कम से कम सेकंड जनरेशन देखने को मिलने चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर आप 65,000 या 70,000 रुपीज़ पे कर रहे हैं एक गेमिंग लैपटॉप के लिए, तो उसमें आपको कम से कम सारे USB सेकंड जनरेशन पोर्ट देखने को मिलने चाहिए। लेकिन साथ ही में आपको इसमें एक टाइप सी पोर्ट भी देखने को मिलता है, जिसको आप USB पोर्ट की तरह यूज़ कर सकते हैं,
और अगर डिस्प्ले की बात करें तो आपको इसमें एक सिंगल HDMI पोर्ट देखने को मिल रहा है, जिसमें कि आप अपना एक एडिशनल मॉनिटर या फिर कोई TV वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ जो कि मुझे पर्सनली अच्छी नहीं लगती, हो सकता है आपको वो चीज़ ठीक लगती हो या फिर नॉर्मल लगती हो, जो कि आपको डिस्प्ले के नीचे साइड जो बेजल्स देखने को मिलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। मेरे हिसाब से उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ना कोई बटन है ना कोई वहाँ पर फंक्शन काम कर रहा है, तो मेरे हिसाब से वो जगह थोड़ी कम करके दे सकते हैं। और अगर देखा जाए तो आपको दोनों साइड इसमें थोड़ी मतलब नैरो बेजल्स देखने को मिल जाती हैं। वहीं अगर ऊपर की साइड बात करें तो ऊपर आपको एक 720p का वेबकैम देखने को मिल जाता है, जो कि मतलब डिसेंट सी क्वालिटी प्रोवाइड करा देगा आपको। और वहीं अगर इस लैपटॉप की स्टोरेज की बात करें तो इसमें आपको एक 256GB की SSD लगी मिल जाएगी, साथ ही में आपको इसमें 1TB की एक मैकेनिकल हार्ड ड्राइव भी देखने को मिलेगी। और वहीं अगर आप फ्यूचर में अपनी स्टोरेज थोड़ी बढ़ाना चाहें तो आपको एक एक्स्ट्रा M.2 स्लॉट भी इसमें देखने को मिल जाएगा। और इस बजट गेमिंग लैपटॉप में मुझे एक चीज़ काफ़ी अच्छी लगी कि आपको इसमें अच्छी कूलिंग के लिए दोनों साइड अलग अलग फ़ैन प्रोवाइड किए गए हैं, जो कि आप इसकी दोनों साइड देख सकते हैं कि आपको एयर इनटेक के लिए ग्रिल देखने को मिलेगी, और नीचे की साइड भी आपको पूरा एक जालीदार स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जिससे कि इसमें अच्छा खासा एयर फ्लो बना रहे। और वहीं अगर स्पीकर्स की बात करें तो आपको नीचे की साइड ही दोनों साइड आपको अलग अलग स्पीकर देखने को मिल जाएंगे, जो कि नीचे की साइड होने से एक थोड़ा फ़ायदा होता है कि आपको नीचे आवाज़ टकरा के आती है तो थोड़ी एक लाउड आवाज़ फील होगी, जो कि देखा जाए तो एक अच्छी चीज़ है। तो अगर ओवरऑल बात की जाए तो आपको एक 65,000 रुपीज़ में काफ़ी अच्छा गेमिंग लैपटॉप देखने को मिल रहा है, जो कि अगर प्रॉपर गेमिंग की बात की जाए तो आपको इससे जो महंगे गेमिंग लैपटॉप भी आते हैं उनसे अच्छी ये गेमिंग करा सकता है, क्योंकि अगर ग्राफिक कार्ड देखा जाए तो इसमें आपको GTX 1650 Ti देखने को मिल रहा है, और अगर इससे महंगे जो गेमिंग लैपटॉप आते हैं कुछ उनमें भी आपको एक 1650 देखने को मिलता है, जो कि इससे मतलब इसमें आपको उनसे बेटर ग्राफिक कार्ड देखने को मिल रहा है, तो ओवरऑल आपको गेमिंग में आपको उससे अच्छी परफॉर्मेंस ही आपको प्रोवाइड करा के दे सकता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप एक प्रॉपर गेमिंग के लिए लैपटॉप लेना चाह रहे हैं तो आप ये लैपटॉप कंसीडर कर सकते हैं, आपको इसमें अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। तो आई होप आपको ये काइंड ऑफ लैपटॉप का रिव्यू पसंद आया होगा, और अभी फ्यूचर में मैं और भी जो कई सारे बजट लैपटॉप्स हैं उनके बारे में भी बात करने वाला हूँ, जैसे कि HP Pavilion हो गया या फिर Asus की जो टफ सीरीज आती है, और भी जो कई लैपटॉप्स गेमिंग लैपटॉप्स वगैरह आते हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। और अगर आप प्रॉपर किसी गेमिंग लैपटॉप का रिव्यू देखना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और साथ ही में अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जाने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाने से पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।